न्यूज, पैनी नजर हर खबर। बरेली में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक औद्योगिक समिट का आयोजन जिला उद्योग केंद्र सभागार में किया गया, जिसमें उद्योग लगाने इच्छुक युवा उद्यमी हिस्सा लेने पहुंचे। आपको बता दें कि 100 दिन 100 उद्योग मिशन के तहत ये समिट कराया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि मिशन मोड पर रहकर काम किया जाएगा। जो लोग उद्योग लगाने के इच्छुक हैं, उनको बुलाया गया है। सभी विभाग समिट में हिस्सा ले रहे हैं। आज एक शुरुआत की गई है कि पूरे कार्यक्रम का वीकली फॉलो भी लिया जाएगा। इंडस्ट्री लगाने वालों को NOC में जो भी दिक्कत होगी उसको सुलझाया जाएगा। जो भी यूनिट लगाने के इच्छुक है उनके लिए एक पूरा नोडल विभाग काम करेगा और पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी। लक्ष्य यही है कि 100 दिन में कम से कम 100 यूनिट लगाए जाए। हम लोग देख रहे हैं ये जिलाधिकारी की पहल हुई है। उन्होंने ये संकल्पना की है कि जनपद का जो औद्योगिक परिदृश्य है उसको प्रगति के पथ पर ले जाया जाए। और आज जो ये शुभारंभ हो रहा है, ये मिशन 100 यूनिट्स कार्यक्रम का शुभारंभ बरेली जनपद में पहली बार किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के पीछे जो हमारा दृष्टिकोण है वो ये है कि उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, उस विजन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए जनपद को आगे ले जाया है। और जो बेरोजगारी दिखाई दे रही है, जिसको कम करने का भी विदेश सरकार की पहल है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे चिन्हित करेंगे। और जब औद्योगिक इकाइयाँ अगले 100 दिनों में 100 लग सकेंगी तो इससे बेरोजगारी हद तक कम होगी। और इसके लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं जिलाधिकारी के निर्देशन में कि अगले 100 दिनों के लिए, जो अभी 22 दिसंबर से 21 मार्च 2021 तक चलेगा, इसमें जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रीज के क्लियरेंसेज होते हैं, NOCs होती है, लाइसेंसेज होते हैं, 143 की घोषणा की जाती है कृषक के ऊपर, इसकी जो प्रक्रिया है जिसमें थोड़ा समय लगता है उसको समय को कम किया जाए और इंडस्ट्रीज को जो हैंड होल्डिंग स्पॉट हैंड होल्डिंग प्रदान की जाए, जिससे उनके लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्लियरेंस आसानी से मिल सके। ये इस कार्यक्रम में भी इसको चिन्हित किया जाएगा। बरेली जनपद में विशेष प्रयास करके 3 उत्पाद एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत शामिल कराए गए हैं। जड़ी जगदोजी को दिया गया है, सुनारी उद्योग को दिया गया है और बांस बेत जो बहुत पुरानी पहचान रही है बरेली की, उसको भी दिया गया है। जहाँ तक मार्केटिंग की बात है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मार्केटिंग के लिए अलग अलग योजनाएँ लागू की हैं और उसमें जो कारीगर हैं, हैंडक्राफ्ट शिल्पी हैं, उनको इंसेंटिव किए जाते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म COVID-19 के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे हमारा eBay है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, तो इनके माध्यम से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, वो अपने उत्पाद बनाएँ और उनके उत्पादों की मार्केटिंग के लिए इन उत्पाद प्लेटफॉर्म से उनका पंजीकरण कराया जाए। और अभी हमने 14 दिसंबर को ही अमेजन का जो यहाँ पे वेयरहाउस नया खुला है उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश में, तो उनके प्रतिनिधि के माध्यम से हस्तशिल्पियों के बीच में एक इंटरैक्टिव मीटिंग भी कराई थी। उसमें हस्तशिल्पियों को ये बताया गया कि अमेजन के वेयरहाउस में कैसे रजिस्ट्रेशन कराया जाए और अच्छे उत्पाद जो बना रहे हैं उनकी मार्केटिंग कैसे कराई जाए, जिससे उनके उत्पादों को अच्छा मूल्य मिल सके और आसानी से उनके उत्पाद पूरे भारत के साथ साथ विश्व के अन्य देशों में भी पहुँचे। अभी प्रक्रियाधीन है, अभी 2-3 रजिस्ट्रेशन लोगों ने कराए हैं और 20 लोगों ने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि हम इसे अमेजन के प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, तो उनकी डिजिटल कैटलॉगिंग कराई जा रही है उनके उत्पादों की। और जैसे ही डिजिटल कैटलॉगिंग हो जाएगी उनके उत्पादों को अमेजन के पोर्टल पर डलवा दिया जाएगा। आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर।